नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे अर्णब गोस्वामी ने अब आर्यन खान केस में जो राजनीति चल रही है ड्रग्स को लेकर, उसको लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है और कई सारा बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे। इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। जी हाँ, आपको बता दें, अर्णब गोस्वामी एकमात्र ऐसे न्यूज एंकर हैं जो कि पूरी तरह से राष्ट्र के लिए बिल्कुल सच्ची लगन से देशभक्ति की तरह ही न्यूज का काम करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से महाराष्ट्र में ड्रग्स को लेकर अब राजनीति हो रही है और तमाम नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, इस पर अब अर्णब गोस्वामी का एक बहुत ही बड़ा और इंटरेस्टिंग बयान आया है। अपने लाइव शो पूछता है भारत में अर्णब गोस्वामी ने चीखते चिल्लाते हुए कई सारे बड़े सवाल पूछ लिए हैं तमाम नेताओं से। अपने डिबेट शो में अर्णब गोस्वामी ने पूछा कि अगर आज नेता इसको लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि कौन ड्रग्स लेता है और कौन नहीं, तो ये रियल में पूरे देश के लिए शर्मसार है। अगर हम इस बात को लेकर राजनीति करेंगे कि हम लोग ड्रग्स लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं, तो ये रियल में हमारे देश को किस दिशा में लेकर जा रहा है, ये हम सोच भी नहीं सकते। अर्णब गोस्वामी ने कहा है कि आज एक दूसरे पर नेता आरोप लगा रहे हैं, अगर आर्यन खान का केस सामने ना आया होता तो क्या इतनी बड़ी सच्चाई हमारे सामने आती कि ये नेता भी ड्रग्स लिया करते हैं, तो ये देश को क्या चलाएंगे। और अर्णब गोस्वामी ने और भी कई तरह के गंभीर सवाल पूछ लिए हैं अपने डिबेट शो में, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, अर्णब गोस्वामी शुरू से ही आर्यन खान केस की बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं और जब भी उनको मौका मिला है तो उन्होंने बॉलीवुड के खिलाफ जहां आग उगला है, तो वहीं उन्होंने बॉलीवुड की सच्चाई भी सामने लाई है। अब एक बार फिर से अपने लाइव शो पूछता है भारत में अर्णब गोस्वामी ने अभी डिबेट किया और उन्होंने ड्रग्स को लेकर जो बातें कही हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। अर्णब गोस्वामी ने अभी हाल ही में डिबेट शो में पूछ लिया कि आज के टाइम पर नवाब मलिक, देवेंद्र फडणवीस, समीर वानखेड़े, ये लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और यहां तक कहा जा रहा है किसी ने घूस लिया तो किसी ने बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स लिया और कोई ड्रग्स का खुद कारोबार करता है। क्या ये देश का भविष्य है? क्या इससे हमारे देश का उज्जवल भविष्य हो सकता है? अर्णब गोस्वामी ने कहा कि उन नेताओं को शर्म आनी चाहिए जो ड्रग्स लेते हैं या फिर ड्रग्स को किसी भी तरह से अपने राज्य में बढ़ावा देते हैं। अर्णब गोस्वामी ने कहा, अगर आर्यन खान का केस सामने ना आया होता तो इन नेताओं की पोल भी ना खुली होती। इन नेताओं की सच्चाई किसी को पता ही नहीं चल पाती। हमें समझ में ही नहीं आता कि ड्रग्स का इतने बड़े लेवल पर कारोबार महाराष्ट्र में होता है। आज जब सच्चाई हमारे सामने आई है तो ऐसा लगता है कि विश्वास करना भी मुश्किल है। अर्णब गोस्वामी ने कहा कि हमने तो सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत केस में ही ड्रग्स के बारे में सुना था, लेकिन जैसे जैसे इस केस की पोल खुलती गई वैसे वैसे पता चल रहा है कि बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी भी बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स का कारोबार करता है और खुद बड़े लेवल पर ड्रग्स लेता है। अर्णब गोस्वामी ने यहां तक कहा है कि आने वाले दिनों में बॉलीवुड में और भी बहुत सारी बड़ी मात्रा में ड्रग्स मिले तो इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं और महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे नेता हो सकते हैं जो कि ना सिर्फ ड्रग्स लेते होंगे बल्कि कारोबार भी करते होंगे। तो अर्णब गोस्वामी का गुस्सा इस तरह से फूटा है। आप सभी कमेंट करके बताना अर्णब गोस्वामी की बातें आपको कैसी लगी, साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।